वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज विनय चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं अपने मास्टर ऑफ फंडामेंटल सीरीज की एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में, जो कि है स्क्वाट्स। तो दोस्तों, जैसा कि सभी बिगनर्स ये गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी कि हम अपनी अपर बॉडी पे तो उतना ध्यान देते हैं, उस पर काफी फोकस करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लेग्स तो हम उतना फोकस उतने अटेंशन के साथ इसको नहीं परफॉर्म करते। रिजल्ट अपर बॉडी में भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता, बिकॉज हमारी फाउंडेशन ही वीक रह जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सुपर इफेक्टिव टिप्स के बारे में, जो कि अगर आप परफॉर्म करेंगे यू विल मास्टर दिस फंडामेंटल मूवमेंट, जो कि आपकी किसी भी लेग्स रिलेटेड एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाली है। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगनर हैं और आपने आज से पहले कभी भी स्क्वाट परफॉर्म नहीं किए हैं और यू आर फेसिंग डिफिकल्टी परफॉर्मिंग स्क्वाट, तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रोग्रेशन 1 के साथ स्टार्ट कीजिए, जिसमें कि आपको एक बॉक्स के ऊपर बैठना है एंड देन यू हैव टू गेट अप। इसमें आपको करेक्ट फॉर्म के साथ, और दोस्तों करेक्ट फॉर्म के लिए आपको अपने लेग्स को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखना है, नीज स्लाइटली बेंड होंगे जब आप ऊपर आएंगे, पूरे नीज को नहीं खोलना है, हल्के से बेंड पोजिशन में रहेंगे, आपको चेस्ट बाहर रखनी है, शोल्डर पीछे खींच के रखने हैं, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, आपको स्ट्रेट रहना है एंड देन यू नीड टू सिट डाउन ऑन द बॉक्स। उसके बाद सेम पोस्चर को मेंटेन करते हुए बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, चेस्ट अप, शोल्डर बैक एंड देन यू हैव टू अगेन गेट अप। इस प्रोग्रेशन में आपको 20 रेपिटेशन निकालने हैं विद दिस फॉर्म, एंड इफ यू आर एबल टू परफॉर्म दिस विद करेक्ट पोस्चर, यू आर रेडी टू मूव टू प्रोग्रेशन 2, विच इज एक्चुअल स्क्वाट। और दोस्तों, आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों के साथ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है और ड्यू टू एक्सेस फैट दे आर नॉट एबल टू गो इन टू द स्क्वाट पोजिशन, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड, जस्ट फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन। इसमें आपको क्या करना है, किसी चीज का आपको सपोर्ट लेके एंड देन यू नीड टू गेट डाउन टिल दैट पोजिशन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। एक बार अगर आप उस पोजिशन में कंफर्टेबली पहुंचते हैं, देन अगेन गेट बैक टू ओरिजिनल पोजिशन। इस तरह करने से आपका एक रेंज ऑफ मोशन जो है दैट विल इंप्रूव एंड वेरी सून, प्रॉब्ली इन 3-4 डेज, 5 डेज, 7 डेज, यू विल सी आपका रेंज ऑफ मोशन काफी बढ़ गया है एंड यू विल बी एबल टू गो फर्दर डाउन जो आप पहले नहीं जा पा रहे थे। एक बार अगर आप उस पोजिशन पे आते हैं, देन यू आर रेडी टू मूव टू प्रोग्रेशन 1, जिसमें आपको बॉक्स स्क्वाट 20 रेपिटेशन परफॉर्म करने विद करेक्ट फॉर्म। एंड अगर आपने करेक्ट फॉर्म के साथ प्रोग्रेशन 1 के 20 रेपिटेशन निकाल दिए, यू आर रेडी टू मूव टू प्रोग्रेशन 2, दैट इज एक्चुअल स्क्वाट। तो दोस्तों, प्रोग्रेशन 2 में आपको बॉक्स को हटा देना है एंड देन यू नीड टू गो डाउन टिल योर थाइज बिकम पैरेलल टू द फ्लोर। ठीक है, इसमें भी आपको सेम स्टांस फॉलो करना है, आपकी जो लेग्स हैं दे विल रिमेन शोल्डर विड्थ अपार्ट। उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे, आपको उस लेवल तक नीचे जाना है जब तक आपकी थाइज फ्लोर के पैरेलल नहीं हो जाती, यू हैव टू स्टे देयर फॉर 1 सेकंड एंड देन अगेन यू नीड टू गो अप। जब आप ऊपर आएंगे, आपको नीज को पूरा नहीं लॉक करना है, पूरा खोलना नहीं है, हल्का सा बेंड उनमें रहेगा एंड देन अगेन यू नीड टू गो बैक डाउन, फिर आपको वापस आना। इस तरह से आपको 20 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। जब आप पूरे रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट अप होनी चाहिए, शोल्डर आपके रिट्रैक्टेड पोजीशन में होने चाहिए। एंड कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ऊपर देखें नीचे देखें, आपकी जो नेक है दैट शुड बी इन न्यूट्रल पोजीशन, इट शुड नॉट बी ईदर अप डाउन लेफ्ट और राइट, अदरवाइज आप अपनी नेक को भी इंजर कर लेंगे इसमें। तो ये कुछ आपको टिप्स ध्यान रखनी है, और एक बार अगर आपने करेक्ट फॉर्म के साथ 20 रेपिटेशन स्क्वाट के परफॉर्म कर लिए, यू कैन से दैट यू हैव मास्टर्ड दिस फंडामेंटल मूवमेंट एज वेल एंड यू आर रेडी टू मूव टू नेक्स्ट फंडामेंटल मूवमेंट, दैट इज गोइंग टू बी एल सेट। तो दोस्तों, आई गेस यहां आपको कुछ जानने को मिला होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, इन केस यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज नीचे बने हुए लाइक बटन को प्रेस कीजिए एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब दैट बटन एंड प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू इट, सो दैट मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
एंड दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरे लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और फंडामेंटल एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।